स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम मुखिया के बेटे हो ना? जी। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। यहाँ छिप पर क्या कर रहे थे तुम? तुम भी मालिक से लड़ना चाहते हो? क्यों? सरजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया, इन सब लोगों की आंखों के सामने मार दिया, और किसी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं भी लड़ना चाहता हूं। उस मालिक को मैं ही मारूंगा। जब तुम्हारे अंदर इतनी आग है तो उस मालिक की हार जरूर होगी। और तू यहाँ है इन पागलों के साथ? चल तुझे बताता हूँ, अभी मार मार के तेरे हाथ पैर ना तोड़ दीना। छोड़ो उसे, तुम पीछे मत बोलो, चल। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत मुझे जवाब देता है? तुझे भी मालिक के हाथों मरना है क्या? आपकी तरह घर में बैठने से तो अच्छा है कि मैं लड़ते लड़ते उस आदमी के हाथों मर जाऊं। आपकी तरह घर में बैठकर चूड़ियां पहनने से तो गोपाल, कभी अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करते हैं। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, और तू आज के बाद मेरे घर पे कदम मत रखना। लिया, तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। बस एक बार देख लिया उसे तो मेरा निशाना नहीं चूक सकता। देखना, उसकी सेना को तो मैं ही भगा दूंगा। नहीं, मैं। अच्छा, हम दोनों। कल रात फैसला हो ही जाएगा, हमें उन्हें कैसे भी खत्म करना ही होगा।
इस गांव में आने के लिए ये तीन रास्ते हैं। अगर हम ये दो रास्ते बंद कर दें और इस एक रास्ते को खुला छोड़ दें तो हम उनके काफी आदमी मार सकते हैं। हमें इन दो रास्तों को किसी भी तरह बंद करना ही होगा। चलो कल की तैयारियां करते हैं। हमारे पास दो दिन है और इन दो दिन में हमें बहुत कुछ करना है। चलो नहीं होता मुझसे। बदले की आग में चल रहा हूं मैं। चलो तैयारियां शुरू करो। आज रात ही हमला करूंगा। उस लड़के को मैं आज ही खत्म कर डालूंगा। लगता है हम खजाने के बारे में तो भूल ही गए। भूले नहीं, बस हमें निकलने में थोड़ी देर होगी। हमें सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा और उस आदमी को ढूंढना होगा जो हमें आगे जाने का रास्ता बताएगा। हमें किसी को नहीं ढूंढना होगा। जो भी हमें रास्ता बताएगा वो खुद ब खुद हमें ढूंढ लेगा। अर्जुन, तुम कल रात को कुछ गांव वालों के साथ इस गांव के मुख्य रास्ते पर पहरा दोगे। चंद्र, पुंडित, तुम दोनों बाकी गांव वालों के साथ दूसरे दो रास्तों पर नजर रख। उठाओ, भागो! उन्होंने एक दिन पहले ही हमला कर दिया है। जाकर गांव वालों को उठाओ। चलो जल्दी, चलो भागो, वो लोग आ गए। चलो जल्दी करो, बाहर निकलो, उन्होंने हमला कर दिया है। चलो अर्जुन, तुम मुख्य रास्ते पर जाओ। जितनी देर उन्हें रोक सकते हो उन्हें रोके रहना। संजम, तुम दूसरे रास्ते पर जाओ। जो रास्ता हमने आज ही खत्म किया है। पुंदर और चंदर, तुम तीसरे रास्ते पर जाओ। वो रास्ता तुमने खत्म ही नहीं किया, पर देखना कोई भी अंदर ना आने पाए। तब तक मैं गांव वालों के साथ उनकी तैयारियां देखता हूं। जाओ, उठो बच्चों, उठो। जैसे ही चांद को इशारा करेगा तुम्हें रस्सी खींच देना, ठीक है? छूटो 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 छूटो। जैसे ही बच्चों ने गिराएंगे आप भी गर्म तेल उन पर डाल लेना। हाँ बेटा, ऐसे ही करेंगे।
पृथ्वी, तू पृथ्वी है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोपाल बेटा, गोपाल आके खोलो, मैं आ गया बेटा, बेटा मैं लड़ने आ गया बेटा, आके खोल बाबू। हाँ। बाबू अब हमें लड़ते रहना है। हाँ, उठा ना बेटा, लड़ते रहो, फिर कभी हमें डर कर नहीं रहना पड़ेगा। अरे ये रस्सी तो मैंने बांधी थी, निकल कैसे आई? मैं इसे फिर से बांध के आता हूँ। बच्चों तुम लोग ना हिलना मत, मैं इस रस्सी को ना फिर से बांध के आता हूँ, अभी आता हूँ, ठीक है ना? गांव वालों, यही है ना वो लड़का जिसके कहने पर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ हथियार उठाने की कोशिश की, मालिक के खिलाफ। अब ये लड़का अपना सर मेरे पैरों पर रखकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। और मैं इसे सिर्फ मौत दूंगा। सोच क्या रहे हो? इससे पहले कि मैं एक एक करके इन गांव वालों को खत्म कर दूं, अपना सर मेरे पैरों पे रखकर अपनी जिंदगी की भीख मांगो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।